Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 9th chapter Diversity in Living Organism. Students, we have discussed the different phylums, the kingdoms, and now we are going to study the classes which comes under the phylum Vertebrata. वर्टिब्रेटा के हमने कुछ फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेटा का होता है कि दैट वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट बिटवीन देम. ठीक है, पहली क्लास आती है पीसेस. सो पीसेस आर द क्लासेस जिसमें सारी फिशेस आती है, राइट. सो दे आर एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स. कैसे एनिमल्स होते हैं? वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं. दूसरा, उनकी स्किन जो होती है वो किससे कवर्ड होती है? स्केल्स और प्लेट से कवर्ड होती है. ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन, वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उसको वो ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? गिल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, द बॉडी इज स्ट्रीम लाइन. उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन. एक फिश का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइन. ये शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप. ठीक है, एंड मस्क्यूलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट. मूवमेंट के लिए मस्क्यूलर टेल यूज होती है. स्ट्रीम लाइन बॉडी है इसलिए बेटा बोट्स जो होती हैं वो हमेशा स्ट्रीम लाइन बनी हुई होती हैं ताकि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके, सिंक ना हो एंड मूव कर सके. कैसे एनिमल्स होते हैं ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. और इनके जो हार्ट्स होते हैं ये टू चेम्बर्स के बने हुए होते हैं. मीन्स एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है. दे ले एग्स. ठीक है, एग्स ले करते हैं मतलब कैसे एनिमल्स हैं? ओवीपैरस. सम हैव स्केलेटन सिस्टम लाइक रोहू एंड कटला, बट सम आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस लाइक शार्क. किसी के पास बोन्स प्रेजेंट होते हैं तो किसी के पास कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये था क्लास पीसेस जिसमें सारी फिशेस आती है. दूसरी क्लास आती है बेटा एम्फीबिया. एम्फीबिया आपने स्मॉलर क्लासेस में स्टडी किया होगा. एम्फीबियंस. एम्फीबियंस किसे बोलते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं. ओके, दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स. मतलब फिश के जैसा स्ट्रक्चर है बट इनके पास क्या है? स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती. इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन एंड दे आर थ्री चेम्बर्ड. इनकी स्किन में क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो इनको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इनका हार्ट कैसा होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है. देन रेस्पिरेशन इज थ्रू इधर गिल्स और लंग्स. इनके पास दोनों चीज़ें होती है, गिल्स भी होती है, लंग्स भी होती है. मतलब अगर वाटर में इनको ब्रीथ करना है, रेस्पायर करना है, तो दे विल यूज गिल्स एंड इन लैंड दे विल यूज लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. दे ऑल्सो ले एग्स. ओके, और ये एनिमल्स वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और लैंड पर भी प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल हैं फ्रॉग्स, टोड्स, सेलेमेंडर्स. ओके, ये आपकी क्लास कौन सी थी? एम्फीबिया. थर्ड क्लास इज रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जिसको हम बोलते हैं. रेप्टाइल्स, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड. ये कैसे एनिमल्स होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. और मेन इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे. ठीक है, बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू. While most of them had a three-chambered heart, इनके पास सब reptiles में जितने भी animals आते हैं उनके पास three-chambered heart होते हैं, but except crocodiles, crocodiles के पास four-chambered heart होते हैं. ठीक है, next characteristics is again they lay eggs with tough coverings and do not need to lay their eggs in water. इनका जो egg होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? एक टफ कवरिंग के बने हुए होते हैं और ये लैंड पर एग्स ले करते हैं नाइकी वाटर में. जैसे हमने एम्फीबियंस देखा, फ्रॉग देखा. फ्रॉग हमेशा वाटर में एग ले करता है. फिश लेज एग इन द वाटर बट रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन द लैंड. स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से? स्नेक्स हुआ, टर्टल्स हुआ, लिजार्ड्स हुआ,
क्रोकोडाइल्स हुआ, ये एग्जाम्पल्स हुए रेप्टाइल्स के। द नेक्स्ट क्लास इज एव्स। एव्स में सारी बर्ड्स आती हैं, ठीक है, जितनी भी बर्ड्स हैं वो कौन सी क्लास में आती है? एव्स में। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं एंड दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। वेल मोस्ट ऑफ देम हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। सॉरी, द क्लास ऑफ एव्स कंसिस्ट ऑफ, सॉरी स्टूडेंट्स, यर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगेन रेप्टाइल इज गिवन। मैं आपको एव्स के बारे में बताती हूँ। एव्स ऐसी क्लास है जिसमें सारी बर्ड्स फॉल होती है। अगेन दे हैव फैदर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको फ्लाइट में हेल्प करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? एव्स के। ओके, उनकी बॉडी कैसी होती है? हॉलो होती है, जिसकी वजह से उनका वेट लाइट हो जाता है और उनको फ्लाइट के टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्लास इज मेमेलिया। मेमेलिया क्लास आती है मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं या जिनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन एनिमल्स, वो एनिमल्स किस में आते हैं? मेमेलिया क्लास में आते हैं। दीज एनिमल्स आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स जिनके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या करता है स्टूडेंट्स? दे यूज टू प्रोड्यूस मिल्क दैट इज गुड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द यंग वंस। अगेन उनके स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट मैमल्स आर फैमिलियर टू अस लाइव लिव यंग वंस। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक द प्लैटीपस एंड द चाइडना ले एग एंड सम लाइक कैंगरूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। ठीक है, मैमल्स में बेटा कुछ एनिमल्स ओविपैरस है, कुछ एनिमल्स विविपैरस है, मतलब कुछ एग्स ले करते हैं तो कुछ यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओके, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इस क्लास में कैटेगराइज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको किंगडम्स बताए हैं, किंगडम्स के बाद फाइलम्स बताए हैं, फाइलम्स के बाद क्लासेस बताई हैं। ठीक है, आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू देन लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।